राजूदास जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, अब भगवान श्री राम तो बिना हनुमान के अधूरे हैं और आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं, ये बताइए, अब बहुत सारे जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी का आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े बीजेपी इस बात को लेकर, श्री राम को लेकर आगे भी बढ़ती है, मुख्यमंत्री जी भी इसी मंच पर थे, लेकिन अब दूसरी पार्टियों के भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कैसा लगता है देखकर? वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फैसला भाई कोर्ट का था और राम पर सभी का समान अधिकार है। पहले तो पूरे देशवासी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई और आपको भी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है और भगवान राम के अनन्य सेवक, लेकिन देखिए परिवर्तन किस प्रकार उन लोगों में आया जिन लोगों ने सदैव भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, जिन लोगों ने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन लोगों ने कहा कि वहां सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां पर और भी अन्य तमाम चीज बनना चाहिए, ठीक है विकास होना चाहिए, लेकिन वह विषय किसी एक मंदिर का विषय नहीं था, वो जन्मभूमि की विषय था। अभी पूज्य आचार्य सत्येंद्र जी कह रहे थे, पूज्य पूर्व सांसद महोदय कह रहे थे, जिस प्रकार साधु संतों ने हमारे यहाँ बाबा स्वर्गीय अभिराम दास जी महाराज ने जिस प्रकार 1949 में वहां पर अपने तपस्या के बल पे मूर्ति प्रकट हुआ, उसके बाद देखिए कि लोग कालनेमी रूप धारण करके और अयोध्या में आना जाना शुरू कर दिया। और आपने कहा बीजेपी को खूब आशीर्वाद दिया, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, जिसने राम के लिए किया, राम काज के लिए किया, जिसने सनातन धर्म के लिए किया, जिसने हिंदुत्व के लिए किया, जिसने राष्ट्र के लिए किया, उसके साथ सभी नौजवान है, आम जनमानस है, साधु संत है, फिलहाल हम तो संत महात्मा है, हम क्यों नहीं रहेंगे। अभी बीएसपी कह रही है कि बहुत धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है, हमारी सरकार आएगी तो बहुत तेज बनवाएंगे मंदिर। नहीं देखिए, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, सवाल आपके मंच के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से सवाल पूछना चाहूंगा। बीएसपी से मेरा सवाल है, वही पार्टी थी जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और जम्मू जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाते थे, काटे जाते थे, भगाए जाते थे, और अयोध्या आते हैं बताते हैं राम और परशुराम की बात करते हैं, जो लोग कहते थे कि ये देखिए ये ब्राह्मण और बाबा और गोबर परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति भी लगाने की बात कर रहे हैं। जी जी मैं बता रहा हूँ, वो बताते थे कि गौरी गणेश, गोबर की गौरी गणेश बनाकर ये मूर्ख बनाते हैं। अब कहाँ चली गई मूर्खता, आज आकर राम और परशुराम की बात करते हैं। आज आए हनुमानगढ़ी मत्था टेका सतीश चंद्र मिश्रा, सरजू जी में जो है दुग्धाभिषेक किया और राम जन्मभूमि मत्था टेकने गया, आज कैसे परिवर्तन आ गया? जो लोग कहते थे कि एक नहीं 1,00,000 राम भक्त होता तो गोली सीना से छल नहीं कर देता, आज बताते हैं कि अब्बा जान सहित राम जन्मभूमि दर्शन करने आएंगे, बताओ नहीं क्या, ये कैसा परिवर्तन है बताओ? जो लोग टोपी पहनकर और सामान आम जनमानस को, इनको इकबाल भाई को टोपी पहनाने का काम करते थे, खुद टोपी पहनते थे और इनको टोपी पहनाने का काम करते थे, ये कितना कितना परिवर्तन, कितना। और बताते हैं, बताओ केजरी चाचा भी आए थे, कहते थे अरे भाई मेरी नानी को बहुत तकलीफ हो रहा है, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, बताओ नहीं, केजरी चाचा से सवाल करेंगे। अभी आप नेता संजय सिंह आए थे, जिस प्रकार से हम जनमानस को, नौजवानों को लॉलीपॉप देकर गए, किस प्रकार से वो लॉलीपॉप देकर गए बताओ, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। ये हिंदू विरोधी दल के लोग कहने लगेंगे ऐसा तो नहीं है महंत जी को राजनीति बड़ी पसंद आ रही है? नहीं, और महंत जी को छपने का नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए चित्रा जी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे बोल के चले गए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, लेकिन एक साधु होने के नाते हिंदू जनमानस का प्रवक्ता है, हमारे मन में टीस है, लेकिन जो पूजा अर्चना आएगा आप करवाएंगे पूजा अर्चना, दिल से नहीं करवाएंगे? करवाए ना, भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी के नहीं, भाजपा का थोड़ी कॉपी राइट है, संघ के थोड़ी कॉपी राइट है, लेकिन जिसने मेरे लिए किया उसकी बात तो करेंगे। ये लोग क्यों नहीं बात करते थे जब हमको इनकी जरूरत थी, जब मुझको इनकी जरूरत थी तब तो इन्होंने बात नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया, तब तो कहते थे राम काल्पनिक थे, 20-20 वकील खड़े कर देते थे, ये कहते थे मंदिर नौजवान जाते हैं, अभी
अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था जब प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा था कि महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री हो, हमने कहा हम लोग क्या आशीर्वाद दे सकते हैं, जो जिनके आराध्य टेंट में बसते हैं वो मंदिर में है और ये क्या आपको आशीर्वाद देंगे। अरे हमारी तो यही इच्छा है कि भव्य दिव्य मंदिर बने। और ये तो कहा करते थे कि नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, किस लिए मंदिर आए? मैंने पूछा राहुल गांधी जी से कि ये क्यों मंदिर आ रहे हैं, इतना परिवर्तन। तिलक आप बता दो कि जिसका बाबा मुसलमान हो, जिसकी जिसकी माँ ईसाई हो, वो हिंदू कैसे हो सकता है? अब वहां से कोई है नहीं जिससे नहीं, सवाल नहीं, का जवाब बहुत बड़ी, ये देश से सवाल है, ये देश सवाल पूछ रहा है, राहुल गांधी से पूरा नौजवान, पूरे देश, हिंदू जनमानस से सवाल पूछ रहा है, इतना परिवर्तन कैसे? इसके नाते ये कालनेम लोग हैं, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये पेमचर गैंग को खुश करने के लिए कार्य करते हैं, इसके नाते चुनाव आ गया, चुनाव दीदी चित्रा दीदी एक मिनट और, चुनाव आ गया, चुनाव आने के नाते इतना परिवर्तन आया और कुछ भी नहीं, चुनाव की वजह से परिवर्तन आ गया और